साथियों, हर पेट को संपूर्ण आहार मिल सके इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं कृषि क्रियाएं और वैज्ञानिक अनुसंधान। अनेक प्रकार की क्रांतियों ने देश में बढ़ते खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा दिया है, जैसे कि सबसे पहले आई हरित क्रांति, फिर आई श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और फिर नीली क्रांति, और आजकल चल रही है इंद्रधनुषी क्रांति। नीली क्रांति की अगर हम बात करें तो इससे जाहिर है कि जो पानी में जो हम जीव जंतुओं का विकास करते हैं, चाहे वो फिशरीज हो, एक्वाकल्चर हो, उससे इसका संबंध होता है, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो मांसाहारी हैं, उनको संपूर्ण मांसाहार उपलब्ध हो सके। ऐसी ही एक चीज़ है मछली, मत्स्य उत्पादन का विकास करने के लिए CIFT बहुत सारी तकनीकों का विकास कर रहा है, चाहे वो मछली पकड़ने के जाल हों, चाहे वो मछली पकड़ने की नौकाएँ हों, मछली का प्रिजर्वेशन हो, उसका उत्पादन हो या प्रोसेसिंग हो। इन सब बातों की जानकारी दे रही हैं डॉक्टर आशा लता, जो कि वरिष्ठ कृषि प्रसार वैज्ञानिक हैं स्विफ्ट में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री कुलदीप शर्मा। अथाह समुद्र के बीच पहुंच जाना अपने आप में एक रोमांच पैदा करता है, लेकिन इस समुद्र के बीच में कुछ ज्ञान की बातें करना, और वो भी हमारे किसानों के मतलब की बातें करना, निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात है। और ख़ासकर जब हम केरल के अरनाकुलम ज़िले के एक कस्बे यानी कि हम कोचीन के बंदरगाह जा पहुँचे, तो हमने केंद्रीय मछली अनुसंधान संस्थान, जो कि इस बारे में तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत है, इसको हम CIFT भी कहते हैं, इसके वैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत कुछ किया है। इस वैज्ञानिकों ने एक ख़ास बात यह की है कि किस तरीके से समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियों को सहज पकड़ा जा सके, और इसको लेकर के एक उन्होंने नेट यानी एक जाल तैयार किया है। ये जाल क्या है, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं यहीं की वैज्ञानिक डॉक्टर आशा लता से। आशा जी, एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जब भी हमारा मछली पालक चाहता है तो वो चाहता है छोटी से छोटी मछली भी ले ले, लेकिन दो राय नहीं इसमें कि बड़ी मछली जब आती है तो अधिक आमदनी होती है, लेकिन बड़ी मछली को पकड़ना भी अपने आप में एक समस्या है। तो आपका जो संस्थान है, केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, इस संस्थान ने इस दिशा में क्या कुछ किया है? हमने इसके बारे में कुछ किया है। इन लोगों के पास ऐसा जाल था, इसमें छोटा सा मिडसाइज का, लाइक 18 mm छोटा सा मिडसाइज का जाल था, उसमें सार्डिन जैसा छोटा छोटा मछली आते थे और इसका इनकम मिलते थे, पर इनको एक अभी था। पर हमको, हमने सोचा कि ये छोटी से इस जाल में छोटे छोटे मछलियाँ वो जब पकड़ते हैं उसका इनकम तो बहुत ही कम है। इनको इसके अलावा बड़ा मछली मिलेगा तो बड़ा मिडसाइज का जाल चाहिए। पर हमने ये पहले कब बोला, इन्होंने सोचा बिग मिडसाइज, बड़ा मिडसाइज होगा तो वो सब मछली जाएगा और इनका इनकम कम जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रायल के लिए हमने एक जाल बन के एक फिशरमैन को दिया। अच्छा। उसमें बड़ा मिडसाइज का दिया, पर उसके एक्सपीरियंस से उनको मालूम चुका कि उनको बड़ा बड़ा मछलियाँ लाइक ट्यूना मिलते थे और उनका इनकम बढ़ गया। मतलब एक लाख का था मैक्सिमम इनकम, पहले उनका 1 lakh था, अभी वो बढ़ गया और नाउ ही इज़ गेटिंग 15 lakhs, 50 lakh। वो ट्रायल डिफरेंट स्टेजेस वी ट्राइड एंड अभी का प्रेजेंट जाल में एक ट्रिप में ऐसा इनकम मिलता है। तो आशा जी, ये जो हमने नेट बनाया है, इसका जाल और ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है, ये हमारी इंडिजीनियस है, हमारी भारत की है, हमने इसे विदेशों से कोई मदद ली है? खुद हमारी इंडिजीनियस के, हमारी भारत के, हमारी इंस्टीट्यूट के उधर से दिया है। अगर मैं बात करूं कि बड़ी बड़ी मछलियों की आप बात कर रहे हैं, वही आ सकती हैं, तो क्या ये छोटे किसान के मतलब की चीज़ नहीं है, सिर्फ बड़े ही मत्स्य पालक के लिए है? नहीं नहीं, छोटे वालों को ये एक बोट में इन्होंने पहले ट्रायल किया, ये जोड़ के करते हैं, एक आदमी का एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए इनको प्रॉब्लम नहीं। और ट्रायल के लिए हमारा ही नेट हम दिया और उनके इनकम देखे, अभी पूरा लोग इसमें आते हैं और वो भी कन्वर्ट करता है। हमारा अपनी पुराना का नेट इसी नया नेट में हम कन्वर्ट करता है। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जो नेट तैयार किया और बड़ा महत्वपूर्ण नेट है, तो इसका कोई उपयोगकर्ता हो, इसका यूजर्स हो, ऐसा कोई है?
हाँ वो इधर ही है, हमको उनसे बातचीत भी करवाएंगे आप। चलिए तो मुलाकात करते हैं उनसे। क्या नाम है उनका? सभा सिंह है। सभा सिंह जी, तो हम आवाज दें तो आएंगे सभा सिंह जी। आइए सभा सिंह जी। सभा सिंह जी स्वागतम। आपने ये जो टेक्नोलॉजी यहाँ से लिया है वो आपके लिए कैसे यूजफुल है? पहले इनके पास एक जाल था, उसमें छोटा सा मैसेज था, उसमें सिर्फ सार्डिन मिलता था और उसका मैक्सिमम इनकम तो एक लाख था मैक्सिमम इनकम। और इनको पूरा 40 मीटर मैक्सिमम 40-45 मीटर ओनली चलता था उसी टाइम में। अभी इस जाल प्रयोग करने में उसको 500 मीटर्स तक जा सकता है। और नया नया फिश, बड़ा बड़ा साइज वाला ट्यूना और सीर फिश वैसा वैसा मिलता है और उससे बड़ा इनकम भी मिलता है। और इनका रिसेंटली एक लास्ट ट्रिप में 15 लाख का इनकम मिल गया है। 15 लाख तो ये देखा आपने, सेबास्टियन की सफलता का आता ये है कि जब CIFT ने उनको जाल दिया तो उन्होंने समुद्र में जाल बिछाया, और जब जाल बिछाया तो सफलता की कैसी गाथाएं उन्होंने जोड़ दी कि उन्होंने अपने साथ के 20 दोस्तों को इस बारे में बताया और 20 दोस्तों ने अच्छी खासी कमाई की। एक साल के अंदर कई ट्रिप करते हैं ये, कई बार समुद्री मतलब जाल फेंकते हैं और कई बार मछलियों को पकड़ते हैं, और एक बार के जाल फेंकने से इनको 15 लाख का फायदा होता है। सेबास्टियन के चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, जो सफलता की गाथा है, निश्चित रूप से ये उनकी उपलब्धि है, ये आपके लिए भी आदर्श हो सकता है। और ये बात ये कहता है कि समुद्र कितना भी अथाह हो लेकिन समुद्र के सीने पर चढ़कर के और मछलियों को प्राप्त करना एक सफलता की बात अपने आप में तो है ही, लेकिन साथ साथ अपना जीवन बदल देना वो उससे भी बड़ी सफलता है। जब भी हम बात करते हैं बड़ी बड़ी मछली पकड़ने की तो उसके लिए नेट यानी जाल की ज़रूरत होती है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि बहुत सा जाल ऐसा है कि वो पकड़ नहीं पाता, उसमें से काफ़ी मछलियां निकल जाती हैं। आपके संस्थान ने कोई विशेष प्रकार का जाल या कुछ ऐसी तकनीकी तैयार की है? वो ऐसा नहीं है, वो हमारा 3 टाइप का जाल है, वो इम्पोर्टेंट है, वो गिलनेट है, परसीन है और ट्रॉल नेट है। वो ट्रॉल नेट में वो पूरा वो फिल्टर करता है वो समंदर में, तो पूरा मछली उसमें आता है। वो परसीन में ज़्यादातर वो एक तरीका है, वो फिश शोल को वो देखते हैं और बाद में वो पकड़ते हैं। और गिलनेट में ये ऐसे ही पानी में डालते हैं और ओवरनाइट रात भर पड़ा रहता है और बाद में सुबह सुबह दे विल गो एंड कलेक्ट द फिशेस, सारा मछली मिल जाता है। एक बात और बताइए, जब भी कोई मछली पालक नई शुरुआत करता है या नई आपकी तकनीक अपनाएगा तो ये बहुत जरूरी है कि उसको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए वो, तो इस तरीके से भी कुछ काम है आपके? ज़्यादा तक ट्रेनिंग हम देते हैं, वो आदमी यहाँ आते हैं हेडक्वार्टर्स में, और हमारा एक एक्सटेंशन डिविजन है वो ज़्यादातर वो कोस्टल एरिया में वो जाता है, रिक्वेस्ट है तो हम जाता है, फ्री है वो ट्रेनिंग सब। यहाँ आते हैं मैं एक थोड़ा छोटा सा ट्रेनिंग फी देना पड़ेगा और सब हम देते हैं। हमारा एक्सटेंशन डिवीजन इसमें बहुत कोशिश किया है, इसके मेले भी आयोजित करते हैं कुछ इस तरीके से, मेले में वो एक्सिबिशन में वो मत्स्य मेला भी करते हैं हम। मैं ये जानना चाहूँ कि आपने अभी कुछ समय पहले ही हमारे संस्थान को ज्वाइन किया है निदेशिका के रूप में, तो अब आपकी भविष्य की क्या कुछ योजना है, फ्यूचर प्लानिंग इन दिस रिगार्ड? वो फ्यूचर प्लान है तो थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट डेवलप करने का, अभी भी वे मार्केट सब इसका क्वालिटी एश्योरेंस का अभी भी ज़रूरत है, वो डेवलप करना है। और ये पकड़ने का काम आता है, इसमें कैप्चरिंग का काम आता है, इसमें ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, दैट इज़ कंजर्वेशन। वो छोटे मछली या किशोर मछलियाँ ना वो बाहर जाने का कुछ तरीके बनाने वाला है और वो भी पॉपुलराइज करना है। तो हमारी शुभकामना है कि आपको इसमें सफलताएं मिले, और आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दूरदर्शन को भी, थैंक यू। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली,
1100409।